साल 2022 के नवंबर महीने में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप शनि ग्रह के चांद टाइटन की कुछ तस्वीरें लेता है, जिसमें आश्चर्यजनक रूप से टाइटन के वायुमंडल में घूमते हुए बादल दिखाई पड़ते हैं। यूं तो आज से पहले कई बार टाइटन की अलग अलग तस्वीरें ली गई थी, मगर उनमें दिखने वाला नज़ारा कभी भी इतना साफ और डिटेल्ड नहीं था जितना कि आज हम इस टेलीस्कोप द्वारा ली गई तस्वीरों में देख पा रहे हैं। ये एक साफ इशारा है इस बात की ओर कि वाकई शनि ग्रह का ये चांद जिंदा है। यहाँ पर लगातार जियोलॉजिकल एक्टिविटीज जारी रहती हैं, फिर चाहे वो इसकी सतह पर मौजूद नदियों और समुद्रों में लिक्विड मीथेन का बहना हो या फिर इसके बेहद सघन वायुमंडल में बादलों की आवाजाही। पृथ्वी के बाद टाइटन सौरमंडल का वो अकेला खगोलीय पिंड है जिसकी सतह पर तरल का आवागमन होता है। बेशक JWST से मिली टाइटन की ये तस्वीरें अब तक की सबसे क्लियर और हाई डेफिनेशन इमेजेस हैं, जो बहुत से राजों को बयान करती हैं। इस एक खोज ने एक बार फिर से वैज्ञानिकों का ध्यान शनि ग्रह के इस चांद की ओर खींच लिया है। अब देखना यह है कि अगर वाकई टाइटन पर पृथ्वी की तरह भौगोलिक गतिविधियां होती हैं, तो वहां पर जिंदगी पनपने के कितने आसार हैं। कहीं कयासों के साथ नासा फिर एक बार शनि ग्रह के सबसे बड़े चांद टाइटन पर अपनी खोज की शुरुआत करने जा रहा है। ऐसे में ये जानना बेहद रोमांचक होगा कि क्या वास्तव में टाइटन जीवन को सांसें भरने दे सकता है या फिर ये महज एक शोरगुल से भरा खामोश दरिया है। वेल, इन सब राजों से रूबरू होने के लिए बने रहिए आज के इस स्पेशल एपिसोड में, क्योंकि आज हम आपको धरती से लाखों किलोमीटर दूर टाइटन की सैर पर लेकर जाने वाले हैं। जैसा कि आपने आज से पहले भी कई बार हमारे एपिसोड्स में ये जाना होगा कि हमेशा से ही टाइटन नासा की इंटरप्लेनेटरी रिसर्च की टॉप हिट लिस्ट में बना हुआ था। यही कारण था कि 70 के दशक में धरती से रवाना हुए वॉयजर स्पेसक्राफ्ट्स ने इसे करीब से देखा था और इससे जुड़ी तमाम जानकारियों को हम तक पहुंचाया था, जिनके आधार पर आगे चलकर हमने शनि ग्रह के लिए एक और डेडिकेटेड मिशन भेजा जिसका नाम था कैसिनी हुईगंस। एक ऐसा शानदार मिशन जिसने शनि ग्रह और उसके चंद्रमाओं का बेहद ही बारीकी से अध्ययन किया। ये स्पेसक्राफ्ट विशेष रूप से एक एटमॉस्फेरिक रिसर्च प्रोब को भी कैरी कर रहा था जिसे टाइटन के बादलों से बीच से होकर गुजारा गया। वास्तव में टाइटन का बेहद घना वायुमंडल इसके आर पार देखने की अनुमति नहीं देता था। टाइटन से हमारे पिछले एनकाउंटर में हमने टाइटन की सतह को देखने का बहुत प्रयास किया, मगर हम उसे देखने में नाकाम रहे, और वो इसलिए क्योंकि टाइटन पर एक बेहद मोटा वायुमंडल था जो हमेशा टाइटन की सतह को अपने साए तले दबाए रखता था, जिसके होते ऑर्बिट से इसकी सरफेस को देख पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। इसलिए 90 के दशक में नासा और ESA द्वारा एक कमाल की तरकीब निकाली गई। कैसिनी हुईगंस मिशन की डिजाइन टीम ने एक कमाल का आइडिया प्रेजेंट किया। उन्होंने ये कहा कि ऑर्बिट में रहते हुए टाइटन का अध्ययन करना तो मुश्किल है, क्यों ना हम इसके भीतर एक डाइव लगाएं, क्यों ना हम इसके वायुमंडल के बीच से तैरते हुए धीरे धीरे इसकी सतह तक पहुंचें और सारे जरूरी डेटा और इन्फॉर्मेशन को जमा कर लें। दरअसल ये एक खास किस्म का ग्लाइडिंग प्रोब था जिसकी मदद से शनि ग्रह के चांद टाइटन के भीतर जाकर बहुत से अहम खुलासे किए गए। हुईगंस प्रोब से मिले डेटा के आधार पर ही टाइटन पर लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स के होने की पुष्टि की गई। इन्हीं खोजों से ये भी मालूम पड़ा कि टाइटन के पास अपना खुद का वाटर साइकिल भी है। ऑब्वियसली ये टर्म वाटर साइकिल यहाँ पर यूज करना एप्रोप्रिएट नहीं है, बट फिर भी इसे क्या ही नाम दे। जी हाँ, टाइटन पर बह रहे तमाम हाइड्रोकार्बन्स, फिर चाहे वो मीथेन या इथेन हो, वो बहते नहीं बल्कि सूरज की गर्मी से वाष्प बनकर ऊपर आसमान की ओर भी उड़ने लगते हैं और फिर ऊपर जाकर ठंडे पड़ने के बाद कंडेंस होकर बादलों को भी जन्म देते हैं, जिससे आगे चलकर बरसात होती है। जगह जगह पर मीथेन और इथेन की वर्षा होने से ये तरल खाइयों और दरारों में जमा हो जाता है जहाँ से तमाम नदियों और झीलों का उद्गम होता है। वाकई ये अद्भुत है। जो जो काम आप पृथ्वी पर जल को करता देखते हैं, वो सब यहाँ ये तरल हाइड्रोकार्बन्स कर रहे होते हैं। और इस सब के बीच सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि सूर्य से इतना दूर होने के बावजूद भी ये पूरा निजाम बदस्तूर जारी है। यही वो पेंच है जो वैज्ञानिकों को इस जमा देने वाले मरघट में जीवन के सबूतों को तलाशने पर मजबूर करता है। खैर, साल 2008 आते आते कैसिनी और हुईगंस दोनों ही स्पेसक्राफ्ट द्वारा टाइटन के बहुत से राजों का पर्दाफाश कर दिया गया। इन प्रोब से मिले डेटा के अधिकतर अंशों को वैज्ञानिकों द्वारा पढ़ा जा चुका था, जिससे उनकी सभी फाइंडिंग्स और रिसर्च के पेपर्स जारी हो चुके थे। लाजिम है, इस डीप रिसर्च के बाद कुछ नई गुत्थियां और सवाल भी हमारे सामने थे, जिनके जवाबों को हासिल करने के लिए हमारी रिसर्च को और भी ज्यादा एडवांस करने की जरूरत थी। मगर उसके लिए किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी की जरूरत थी जो फिर से हमें एक बार टाइटन के करीब ले जाए, इतना करीब कि वहां हमें साफ साफ नज़ारा मिल सके। वेल, ऐसा हो पाना तभी मुमकिन था जब नासा कोई वहां पर बेहद एडवांस मिशन भेजे, एक ऐसा मिशन जिसमें बेहद हाई डेफिनेशन और पावरफुल कैमरास लगे हों। लिहाजा फिलहाल ऐसा करना बहुत मुश्किल था,
क्योंकि कैसिनी का मिशन अभी बाकी था और वैसे भी टाइटन कोई पड़ोस का ढर्रा नहीं है। जो मन किया और वहाँ पर चल दिए। एक साइंटिफिक मिशन को कंडक्ट करने से पहले ढेरों कामों को अंजाम देना होता है। मिशन प्लानिंग से लेकर फाइनेंसिंग तक ढेरों पेच फंसते हैं जिन्हें सुलझाना होता है, तो इतना जल्द एक नया मिशन तो होने से रहा। एनीवेज, अब इस कहानी को आज की तारीख पर लेकर आते हैं, जहां नासा के इंतहाई पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप जेम्स वेब ने टाइटन मून की कुछ डिटेल्ड इमेजेस जारी की हैं। ये तस्वीरें 4 और 5 नवंबर सन 2022 की तारीख को ली गई। जैसा कि इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि 4 तारीख को टाइटन पर बारिश होने के दौरान आसमान पूरी तरह से बादलों से अटा हुआ था और अगले ही दिन बारिश होने के बाद सारे बादल छट गए। ये बात वाकई वैज्ञानिकों के लिए हैरान करने वाली थी, क्योंकि सिवाय धरती के आज तक हमने सौरमंडल के किसी ग्रह पर या उपग्रह पर ये नज़ारा नहीं देखा था। इस खोज ने नासा वैज्ञानिकों को ये समझने में बेहद मदद की कि आखिर टाइटन पर रेनिंग यानी कि वर्षण का सिस्टम कैसे काम करता है। इन तस्वीरों में क्राकेन मेरे, जो कि टाइटन का एक बड़ा जलाशय है, उसे भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। नासा की प्रायर फाइंडिंग रिपोर्ट्स में टाइटन की सतह के नीचे पानी एवं अमोनिया के अथाह भंडार होने की आशंका जताई गई है, जिसके चलते वहाँ पर बहुत से ऐसे ग्लेशियर्स भी हैं जिनमें मीथेन और इथेन के साथ साथ पानी जमा होने की आशंका भी है। ये सभी बातें हमें इस नतीजे की ओर लेकर चलती हैं कि टाइटन एक डेड मून नहीं है, बल्कि यहाँ पर आज भी जियोलॉजिकल एक्टिविटीज जारी हैं, जो निरंतर इसके स्वरूप एवं संरचना में परिवर्तन ला रहे हैं। दिमाग पर जोर देकर सोचने पर ये ख्याल आता है कि एक वक्त पर हमारी पृथ्वी भी कुछ ऐसी ही दिखती थी। जी हाँ, ये वो दौर था जब आज से करोड़ों साल पहले हमारा ग्रह भी परिवर्तनशील था और ये अपने वर्तमान स्वरूप की ओर अग्रसर था। ऐसे में पृथ्वी की सतह पर बहुत से परिवर्तन आए। कभी यहाँ मैग्मा के सागर ठंडे होकर कठोर चट्टानों में तब्दील हुए, तो कभी बर्फ के मोटे आवरण ने संपूर्ण पृथ्वी को अपनी जद में ले लिया। इन्हीं तमाम परिवर्तनों की बदौलत आज पृथ्वी पर ऐसे हालात उत्पन्न हुए जिनमें जीवन का पनपना संभव हुआ। आज से कुछ लाख साल पहले जब पहली बार पृथ्वी की सतह पर पानी तरल रूप में आया, तो उनमें कुछ सूक्ष्म प्राणियों ने जन्म लिया जो आगे चलकर इस वीराने को आबाद करने वाले थे। हमारी समझ तो यही कहती है कि लगभग जहाँ कहीं भी जीवन पनपता है, वो वक्त और परिवर्तनों की दरकार रखता है। बदलते वक्त के साथ परिवर्तन आते हैं और इन्हीं परिवर्तनों के कारण ऐसी परिस्थितियां जन्म लेती हैं जिनमें आगे चलकर जीवन सांसें भरता है। शनि ग्रह के चांद टाइटन के परिवेश में भी इशारा कुछ ऐसा ही है। हमारे सूरज से इंतहाई बड़ा फासला, बेहद कम तापमान, चारों ओर दम घोटू हाइड्रोकार्बन्स का कब्जा होने के बावजूद भी यहाँ जीवन के जन्म लेने की संभावनाएं प्रबल हैं। बेशक आज तक हमें यहाँ पर जीवन के अस्तित्व में होने का कोई सबूत नहीं मिला और ना ही हम इस उपग्रह के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी रखते हैं, मगर फिर भी हमारी वैज्ञानिक समझ और अनुभव यहाँ पर जीवन के सूक्ष्म कणों की उपस्थिति का दिलासा देता है। और कुछ न सही तो उम्मीद पर ये दुनिया तो कायम है ही। इस पर आपका क्या ख्याल है? क्या वाकई टाइटन इतना सही है कि वो अपने यहाँ पर जीवन को पनाह दे सके या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बाकी दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आप डॉक्यूमेंट्री लाइब्रेरी पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें, ताकि एस्ट्रोनॉमी और स्पेस साइंस की वीडियोस आप पा सकें सबसे पहले। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।